हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। मैं हूं मंजू। जब भी किसी महिला का डिलीवरी का समय नजदीक आता है तो वो बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स महसूस करती है, स्पेशली जब पहली डिलीवरी हो। अनडाउटेडली एक बेबी को जन्म देना अपने आप में एक इंटेंस एक्सपीरियंस है। इस एंजाइटी, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट में ये ना भूलें कि आज के इस एडवांस्ड बर्थिंग में कई पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स अवेलेबल है जो आपको लेबर के समय काफी हद तक रिलीफ पहुंचा सकती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी एस्पेक्ट पर डिटेल में बात करेंगे। जैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी के खूबसूरत सफर में हैं, या फिर अगर आप एक नन्ही सी डॉग को ऑलरेडी जन्म दे चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइलो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। माइलो ऐप पर आप फ्री में कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स एक्सेस कर सकते हैं और एक्सपर्ट से बातचीत भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ है, सो गो एक्सप्लोर इट योरसेल्फ। लेबर पे, हर प्रेग्नेंट महिला को डिफरेंट लेबर पेन्स होते हैं क्योंकि सबकी बॉडी टाइप और प्रेगनेंसी जर्नी डिफरेंट होती है। हालांकि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे लेबर पेन में रिलीफ मिल सकता है, जैसे कि मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक्स। आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के हिसाब से आप इसे अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे ही लेबर पेन बढ़ता है, आप उनमें से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। लेबर पेन को मैनेज करने के लिए आप मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल टेक्निक्स में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आइए डिटेल में जानते हैं इन दोनों के ही बारे में। नॉन मेडिकल पेन रिलीफ ऑप्शंस फॉर चाइल्ड बर्थ, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। कीगल एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करें, बैलेंस डाइट लें और अल्कोहल और सिगरेट्स को अवॉइड करें। अगर आप एंटीनेटल और लैक्टेशन क्लासेस लेती हैं तो आप पहले से ही आने वाले हर चेंज के लिए प्रिपेयर रहेंगी। ऐसा करने से एंग्जाइटी और नर्वसनेस कम होगी। ब्रीदिंग टेक्निक्स को समझने के बाद आप हर कॉन्ट्रैक्शन को मैनेज और टॉलरेट कर पाएंगे। इस फेज में आप अपने स्पाउस और किसी भी लव्ड वन या फिर फैमिली मेंबर के सपोर्ट से एंग्जाइटी इश्यूज को कॉम्बैट कर पाएंगे। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से और सूदिंग म्यूजिक सुनने से माइंड काफी रिलैक्स रहता है और कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। एक वार्म शावर, रिलैक्सिंग मसाज या फिर हॉट या फिर कोल्ड पैक रखने से भी आपको काफी रिलीफ महसूस होगा। एक्यूप्रेशर, हिप्नोसिस और एक्यूपंचर भी करवा सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मेथड चूज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। मेडिकल पेन रिलीफ ऑप्शंस फॉर चाइल्ड बर्थ, लेबर पेन की तकलीफ से थोड़ी राहत पाने के लिए आप इनमें से किसी भी मेडिकल पेन रिलीविंग ऑप्शन को चुन सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। पहले ये मेथड से वेस्टर्न कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल इंडिया में भी किया जाता है। ये मेथड पेन को कम्प्लीटली तो एलिमिनेट नहीं करता है, लेकिन एंग्जाइटी जरूर रिड्यूस करता है। इसे सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स के लिए प्रेग्नेंट महिला को मास्क के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि इसके एक्सेस इस्तेमाल से कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग या फिर डिजीनेस। पेपिडिल, ये एक स्ट्रॉन्ग पेन रिलीवर मेडिसिन है जो इंजेक्शन के द्वारा प्रेग्नेंट महिला के बटक्स मसल पर लगाया जाता है। इसका असर लगभग 2 से 4 घंटों तक रहता है। पेन रिलीफ के साथ इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि नौजिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और गिडीनेस। प्रूवन थ्योरीज के हिसाब से इसका असर अनबॉर्न चाइल्ड पर भी पड़ता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ये एक बहुत ही इफेक्टिव पेन रिलीफ मेथड होता है। इसका इस्तेमाल दोनों सीजीरियन और वजाइनल डिलीवरी में किया जाता है। इसकी मदद से एक प्रेग्नेंट महिला कंप्लीट चाइल्डबर्थ प्रोसेस के दौरान अलर्ट रह सकती है। एनेस्थेटिक इंजेक्शन को स्पाइनल कॉर्ड की लाइनिंग पर लगाया जाता है, जिसे बेस डाउन सब कुछ नम हो जाता है। इसे इस्तेमाल करते ही बेबी हार्ट रेट को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसका असर अनबॉर्न चाइल्ड पर भी पड़ता है। अगर एनेस्थीसिया किसी भी कारणवश पूरा नहीं हो पाया तो इसे दोबारा करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से पेन काफी होता है। इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं नौजिया, हेडेक और वजाइनल डिलीवरी के चांसेस कम होना। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन टेंस, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लोअर बैक की नर्व्स को स्टिमुलेट किया जाता है। स्टिमुलेशन के लिए एक हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्रेग्नेंट महिला अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। इससे मदर और बेबी को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। आप इसे किसी और पेन रिलीफ मेथड के साथ भी कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सोनली इसी पर भी रिलाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके अपने विचार बताएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें।
साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।